तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई कार्लसबर्ग भाई साहब आपके साथ। किंगफिशर, आप तो किंगफिशर गोल्ड लिखा है यहाँ पे, लागर बियर। सो दिस इज किंगफिशर गोल्ड लागर बियर फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गुड़गांव। अगर हम सब बेवकूफियों के पहले मैं प्राइस बताता हूँ, इसकी प्राइस यहाँ पे क्या लिखी है यार, तो सारों ने कुछ लिखी नहीं है। मैं इसका एक क्रेट उठा ले आया, 1,500 का मैं क्रेट उठा ले आया, 12 का। तो आप कैलकुलेट कर दीजिए, 1,500 बाय 12 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120-125 रुपीज़। और ये भी मेरे ख्याल से ये उससे थोड़ी महंगी आती है, मेरे आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। अब मैंने कार्ल्सबर्ग की बॉटल खोल दी है और अभी कोई ग्लास नज़र नहीं आ रहा, तो स्विग लेंगे सीधा। फ्रिज में बड़े बड़े जो बियर थोड़ी थोड़ी सी फ्लैट जाती है ना, तो वही इसके साथ हो चुका है हादसा। इट्स अ बिट फ्लैट बट ओवरऑल बारूद इसमें अभी भी है, तो मैं कहूँगा 80% अभी भी कार्ल्सबर्ग जैसी है। बट ज़रूर फ्रीज फ्रीज होके अनफ्रीज होके इसकी एक्सपायरेशन लिखी है September 9, 2021। पैक हुई है ये 10 मार्च 2021 को, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत थोड़ी गल गई है ये। वाह, टेस्ट जो मेरी मेमोरी में टेस्ट था कार्ल्सबर्ग, वैसा ही टेस्ट है, शायद उससे कुछ बेटर ही है, कम नहीं कहूंगा मैं इसको। इससे पहले मैं ये और पी लूँ, लेट मी ओपन द किंगफिशर ऑल्सो। अब दोस्तों एक बात जरूर आप देखना कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किंगफिशर गोल्ड, किंगफिशर प्रीमियर 650 ml वर्सेस किंगफिशर वर्सेस कार्ल्सबर्ग स्मूथ में जरूर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन बाहर 43 डिग्री टेम्परेचर है। जो मैं पहले पी के पीऊंगा, मुझे ज़रूर वो उसके लिए थोड़ा फेवरेबल होगा, क्योंकि पहला जो घुट होता है वो बिल्कुल हिला देता है। चेयर्स, किंगफिशर का जो पहला घुट होता है इतनी फील नहीं आती, शायद पहली बॉटल में भी इतनी फील नहीं आती, बट वाह ओके। इसमें ज़रूर ज़्यादा फिज है इस बियर से, प्रीमियर में थोड़ा सबड्यूड फ्रिज है, हरियाणा के बियर में फ्रिज तो होता ही है। और बाकी मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा स्मूद है, किंगफिशर हरियाणा की ज़्यादा स्मूद है इससे। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ख़राब है, ये ज़्यादा ट्यूबॉक जैसी है, लेकिन इसमें कुछ रोमांस है, यू नो वो बारूद है, थोड़ा अल्कोहल लेवल ज़्यादा लग रहा है मेरे को इसमें। इसमें किंगफिशर गोल्ड लागर बियर की अगर मैं बात करूँ, अब मुझे याद आ रहा है कि प्रताप के घर भी मैंने ये पी थी किंगफिशर गोल्ड, और इसमें मुझे कुछ अजीब और अमेजिंग थिंग लग रही थी। इट इज़ नॉट एक्सीडिंग 5% दी अल्कोहल, मतलब 5% ही है, दोनों में सेम ही है, लेकिन ज़रूर मुझे इसमें ज़्यादा बिकॉज ऑफ फ्रॉथ, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी मुझे ज़्यादा हैवी लग रही है। अभी मैं उड़ रहा हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं, लेकिन मुझे पिछले 8 साल याद आ गए, 8 साल 9 8 10 साल याद आ गए। 2012 से लेके 2021 पूरी ज़िंदगी याद आ गई, हर एक समर याद आ गई। जब मैं समर के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ बियर हाथ में होनी चाहिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ऑफ योर्स एंड माइन। वर्थ द वेट। अमेजिंग। बेटर कौन सी है? ये बेटर है, ये ज़्यादा स्मूद है, यस, बट ओवरऑल कार्ल्सबर्ग स्मूद प्रीमियम लागर बेटर है। वो क्यों है? कुछ देर रुकिए, सेट होते। यार कुछ ग्लास है मेरे पास, बियर ग्लास ऊपर पड़े हैं सारे, लेकिन मैं बस आपको इसका कलर दिखाना चाहता हूँ। तो ये रही आपकी किंगफिशर, बहुत ही स्मूद है ये वाली किंगफिशर गोल्ड, जो हरियाणा में मिलती है खाली मेरे ख्याल से, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए, मुझे गलत होने में बहुत शौक आता है, मज़ा आता है। और ये मत कहना इसको गलत पोर कर रहा है ये वो, भाई इतने बेहुदा ग्लासेस है तो कैसे ब्लेम करोगे मुझे। दोनों से अगर हम खाली इफ़ यू गो बाय द लुक, मैं कहूँगा किंगफिशर लुक्स मोर क्लासी डेफिनेटली,
in terms of being more alive and alert and awake, आई थिंक ये ज़रूर ज़्यादा बारूदी लग रही है, जबकि इसमें फ्रॉथ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब हम पीते हैं इसका फ्रॉथ कार्ल्सबर्ग का फ्रॉथ ज़्यादा होता है। मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत सही पैक बनाया किसी ने और उसमें थोड़ा बियर का बारूद डाल दिया है, फवारे उड़ रहे। वेरी ओके, किंगफिशर की मेरे को एक बात कहनी पड़ेगी जिसके लिए मैं विवेक माल्या, विजय माल्या को कभी कुछ कहता नहीं, बिकॉज ब्रदर ने यूनाइटेड ब्रूवरीज जैसी अमेजिंग अल्कोहल बनाई है जिन्होंने हमें किंगफिशर दिया है, वो चाहे डबल जुर्म कर ले जिसके लिए लोग उसको गालियाँ देते हैं, डबल ट्रिपल कर ले, लेकिन मैं उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से जलता नहीं, ना कि ये कहता हूँ ये चोर है, ये चोर है, ये सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। आई थिंक विजय माल्या इज अ ड्यूड, इज अ ग्रेट गाय, गॉड ब्लेस हिम एंड हिज 10 जनरेशन शुड लिव लाइक किंग्स, एंड आई वुड बाय हिम अ बियर इफ आई कुड, और 5 or 10, बिकॉज किंगफिशर मैन। अब देखिए, आपको जिंदगी में शायद ही कहीं कार्ल्सबर्ग मिलेगी, मैं कार्ल्सबर्ग एलिमेंट भी लेके आया, एलिमेंट कह रहा हूँ, एलिफेंट भी लेके आया हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये पेटी वेटी लेके आए भीड़ू भिखू मात्रे, अगर आप में से किसी को यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, ये पूरी पेटी थी ऑफ कार्ल्सबर्ग बियर, सो आई हैव अ होल एंटायर पेटी। ये देखिए कितने डिसिप्लिन स्टूडेंट जैसे बैठे हुए हैं। अरे भाई, एक एलिफेंट स्ट्रांग अभी मैंने रखी हुई है इसके अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि सारी एलिफेंट स्ट्रांग है, बाकी सारी स्मूथ है। हाँ, ऑल ऑफ दीज आर द स्मूथ वंस, आई गॉट 2 एलिफेंट स्ट्रांग जिसका रिव्यू जल्द आएगा, बाकी ये अपने शिवर्स, वैलेंटाइंस और JNB टीचर्स 50, नॉट टीचर्स 50, टीचर्स सिग्नेचर जो भी है, रेड लेबल और एक जेम्सन की बॉटल और शिवस। देखो मेरे नाटक भी 5,30,000 पीस है, लेकिन सच कहूँ तो मैं कन्फ्यूज हो गया दोनों बॉटलों में। हाँ, मैंने फर्स्ट राउंड ज़रूर दिया था उसको, लेकिन किंगफिशर धुएँदार हैं, बहुत टक्कर वाली बियर है। जो मैं कर रहा हूँ आप ये मत करना कभी, दोनों का कभी मिश्रण मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए, बिकॉज उस वक्त अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो फील नहीं आएगी आपको, बंगड़ा करने का दिल नहीं करेगा। और ये जो है यार, ये मतलब इतनी क्लासी लुकिंग बॉटल है और इसका अंदाज भी इतना क्लासी है, जो शुरू में कार्ल्सबर्ग आती थी मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा प्रेजर्वेटिव्स एंड ग्लिसरीन ज़्यादा डालते थे, या फिर शायद मेरा टंग, मेरा पैलेट यूज टू नहीं था उसको यूज़ करने का, लेकिन ये जो कार्ल्सबर्ग प्रीमियम स्मूथ लागर है, आई थिंक दिस हैज़ अ टच अबाउट इट व्हिच इज़ मोर क्लासी देन किंगफिशर। इसमें वो बात है जो आपके अंदर जो भरता सितारा है जो आज तक बाहर नहीं आया, जैसे जो मेरे अंदर है वो बाहर लेके आए, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, जो कार्ल्सबर्ग है उसमें वो बात है जो आपके बचे कुचे ख्वाब, आपके अंदरूनी जज्बातों को बाहर लेके आए। किंगफिशर में भी वो बात है, लेकिन कार्ल्सबर्ग में वो चिंगारी है जो किंगफिशर में थोड़ी एब्सेंट है। अब मैंने कह दिया, ये देखिए, आप ये ठीक से देखिए, नहीं लग रहा जैसे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विस्की का ड्रिंक बनाया किसी ने विदाउट एडिंग वाटर। इसको पीते हुए मुझे याद आ गई कि कोई बारिश हो रही है मेरे सिर पे और मैं बियर पी रहा हूँ। गोवा की याद आ गई मेरे को, गोवा में बहुत बियर्स मिलती है, लेकिन गोवा की बियर का टेस्ट आपको एक या दो टॉल पॉइंट्स के बाद आती है। अगर मैं कार्ल्सबर्ग को नंबर दूँ 10 में से, तो इसकी प्राइस अनुसार, क्योंकि ये बाय द वे अगर आपको ये ख़रीदनी है और आप दिल्ली NCR में रहते हैं जो जन्नत है, तो आपको भाई लोग उधर जाना पड़ेगा, सेक्टर 17 डालिए गूगल मैप में, L1, वहाँ पे आप ये उठा लेंगे एक केस 12 का 1500 रुपये में। मैं कहूँगा यही करना, और अगर आप इंडिविजुअली लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल से 180 रुपये की बॉटल है, सो 180 रुपीज़ फॉर सिंगल बॉटल और 1500 रुपीज़ फॉर 12 बॉटल्स। आई विल बी डूइंग एन एलिफेंट का रिव्यू वेरी सून, बट मुझे नहीं लगता एलिफेंट इससे बेटर होगी, पॉसिबली नहीं है यार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बेटर हो जाए, नहीं ऑनेस्टली बताऊँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई मुझे स्ट्रॉन्ग बियर कोई बेटर लग जाए लाइट बियर से। हाँ, अगर एक
जज्बात ऑलरेडी स्लरिंग, अगर जज्बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बात अर्ज कर सकूं तो मैं ये कहूंगा कि जो किंगफिशर स्टॉर्म है ना, वो रियल ब्रेन स्टॉर्म है, जो ऐसी बियर बनाई है लोगों ने कि हिला डाला है उन्होंने। तो जो किंगफिशर स्टॉर्म में जज्बा है वो शायद इन दोनों के जज्बे से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कार्लसबर्ग ज़रूर स्मूथ में, वो ज़रूर वो बात है। अब दो मिनट देख लो यार, फॉरवर्ड और मत करो, वीडियो देख के मत जाना, वीडियो मतलब छोड़ के मत जाना। इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर, माल्टेड बार्ले, राइस, मेज, कॉर्न सिरप, CO2, हॉप्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ईस्ट, एथाइल अल्कोहल। डूड, आई वांट टू मेक अ बियर ऑफ माय ओन, लाइक अ रियली गुड बियर, लाइक एन इंडिया पेल एल बियर और अ लागर टू रिमेंबर फॉर एजेस। और अगर मैं कोई बियर बना सकूँ तो यकीन मानिए उसका टेस्ट फॉस्टर से मिलता जुलता नहीं होगा, उसका टेस्ट कार्लसबर्ग स्मूथ से मिलता होगा। एंड मुझे कार्लसबर्ग स्मूथ शायद इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि मैं किंगफिशर बड़े दिनों बाद पी रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस किंगफिशर टेस्ट का कुछ टेस्ट ख़राब है, ये फौलाद है, फौलाद, सॉरी ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। बेवकूफ़ी मत करना, ग्लास व्लास से मत डालना, मतलब ये ऐसी बियर है कि अगर मैं, ओह ये मैं कह नहीं सकता, मैं कहने वाला था इसको, मैं इसको पी के मैं ड्राइव पे जाऊँ तो बहुत फील आएगी, पर मैंने ये कहा नहीं। ओके, खेतों के बीच में जाऊँ इसको पी के तो बहुत फील आएगी, किसी लॉन्ग हाईवे पे मैं इसको पीऊँ तो बहुत फील आएगी, पर ये सब मैंने कहा नहीं, ये मेरे ख्याल है, हर आदमी के ख्याल होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। खैर, मैं तो हाईवे में कई सालों से नहीं गया। और अगर किंगफिशर को हम लेके आते हैं फ्रेम के अंदर, तो यार किंगफिशर मतलब लेजेंडरी विस्की है, मैं इसका ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ कार्लसबर्ग से, बिकॉज यार ये मिलती तो है हर जगह। अब आप कहेंगे मिलना सब कुछ तो नहीं होता, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे दोस्त, मिलना सब कुछ नहीं होता। आप लोगों को बीरा मिलती है तो आपको लगता है ये बियर है, इसलिए आप विस्की की तरह दौड़ते हैं। अगर बीरा जैसी बेहुदा घटिया यूजलेस वर्जन बियर को यहाँ से बाहर निकाल के बाहर फेंक दो, बाय द वे वर्जन होना कोई बुरी बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरे काफ़ी व्यूअर्स वर्जन है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट यू अंडरस्टैंड मैन, आई एम सेंटिमेंटल गाय, आई एम 37, मेरे को इतना तो आप कहने दो यार। बीरा जैसी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट मतलब बहुत बेकार लगती है मेरे को, इसलिए बेकार लगती है यार क्योंकि मैं जब ठेके जाता हूँ मैं देखता हूँ बीरा रखी है, बीरा, और बीरा ने अपने 6-7 वेरियंट निकाल दिए, मेरे को रोना आता है कसम से। जो बीरा की एक अच्छी बियर थी उसका रिव्यू कर चुका हूँ मैं, मालाबार, बीरा मालाबार थी, वो डार्क बियर निकाली थी उन्होंने एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन, वो अच्छी थी, बाकी कुछ सब बेकार है उनका। बीरा, हाँ बीरा ब्लॉन्ड भी पी चुका हूँ मैं, सब बीरा पी चुका हूँ, बेकार बेकार वायाद। विजय माल्या जिंदाबाद, बेंगलोर जिंदाबाद, RCB जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद, कंवर बादशाह जब जिस दिन दिल्ली छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ने वाला, अगर छोड़ेगा तो बेंगलोर जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। बहाने बहाने बेकार की बातें असाइड, किंगफिशर गोल्ड दिलचस्प चीज़ है, और इसको पीते मुझे वो गाना याद आ गया, पता कौन सा गाना, दिल चीज़ है क्या जाना ये जा भी तुम्हारी है। और कार्लसबर्ग को पीते मुझे इंडी रॉक म्यूज़िक की याद आ गई। ये दोनों जब आप एक साथ पीते हैं तो आपके जो लव्स है, आपके लिप्स है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या है। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड यू डोंट डू व्हाट आई जस्ट डिड एंड डोंट मिक्स देम। यू कैन सी दैट आई एम अ लाइट वेट बिकॉज आई एम डाइटिंग नाउडेज एंड आई एम नॉट हैविंग बियर, बट राइट नाउ आई एम लाइक फैट बॉय स्लिम मैन, लाइक आई फील अमेजिंग। मैं जानता हूँ आप लोग चाहते हैं कि मैं छोटे वीडियोस करूँ, बट जब मेरे हाथ में ऐसा बारूद आता है तो मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ। एंड आफ्टर ऑल ये कंपैरिजन वीडियो है, इसको कंपैरिजन वीडियो के तराजू पे ही तोलो। अब आप में से जो विक्रम और शौनिक और अली और भोलू जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग कृपया सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, नहीं दबाओगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप
मेरा दिमाग कह रहा है कि 120-140 रुपए की आती है दिल्ली में, और ये वाली आती है 150 रुपये या 160 रुपये की, जो दोनों में प्राइस डिफरेंस है 20-30 रुपये का, क्या वो वर्थ इट है? हाँ, मेरे ख्याल से वर्थ इट है। कार्ल्सबर्ग में इनफ जज्बा, जुनून, ये जोशीला जांबाज है, और बिल्कुल बनता है। बाय द वे, इन केस ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट, साकेत कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आई फील लाइक सेंडिंग देम अ लव लेटर गाइस, नॉट अ हेट लेटर। रेवाड़ी के लोगों, अगर आप लोग जानते हैं इस फैक्ट्री को, तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा। तो कुछ कोशिश करिए हरियाणा के वासियों की मैं इस फैक्ट्री पे एक वीडियो, इस बियर की जो फैक्ट्री है उस पे एक वीडियो बना सकूँ। हाँ, मेरे वर्ड्स काफ़ी स्लर कर रहे हैं, पर अगर आप भी 1000 मिलीलीटर बियर पी लेंगे तो आप भी गुल गुलशन गुलफाम हो जाएंगे। खैर, आने वाले वीडियोस जो हमारे हैं, अब ज़्यादातर हम विस्की पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बियर की अगर बात करें तो कार्ल्सबर्ग एलिफेंट का रिव्यू तो ज़रूर आएगा, ऐसा धमाकेदार रिव्यू होने वाला है बॉस। और उसके अलावा ड्यूअर्स वाइट लेबल का भी रिव्यू आने वाला है, शायद आज ही कर दूं मैं, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है चीटिंग हो जाती है अगर मैं पहले इस फॉर्म में कोई किसी भी चीज़ का रिव्यू करूंगा, तो गाइस आप लोग पागल हो जाएंगे। तो वो चीटिंग लगती है मुझे कि मैं अगर इस फॉर्म में आके किसी विस्की का करूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतना हाई हूँ, इतना मग्न हूँ मैं, मतलब सस्ते नशे कह लो, कुछ भी कह लो, बट लेस देन 400 रुपीज़ में मैं उड़ रहा हूँ आसमान पे। मैं एल्टन जॉन का बेस्ट सॉन्ग बन गया हूँ 320 रुपये में। रियली आई फील सो गुड, आई एम सो हैप्पी आई डिड दिस कंपेरिजन, इट हेल्प मी गेट ड्रंक गाइज। सो बाय। हेलो गाइज, फाइनली बिफोर यू गो, किंगफिशर प्रीमियर गोल्ड, किंगफिशर गोल्ड फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा, इट्स रॉक एंड रोल। एंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, फ्रेंकली आई वुड गिव इट अ 10। आई डोंट थिंक दिस एनी थिंग रॉन्ग विद दिस बियर, एंड बिकॉज वी डोंट गेट फॉस्टर्स एनी मोर, मेरी ये फेवरेट बियर है। कार्ल्सबर्ग बहुत अच्छी बियर है, बहुत अमेजिंग है, इसमें बहुत चीज़ें राइट है, और इसको भी मैं 10 में से 9 अंक दूंगा। वो इसलिए क्योंकि कार्ल्सबर्ग अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ना होने के कारण मैं इसका 1 मार्क काटूंगा। मैं चाहता तो 2 काट लेता, लेकिन मैं इतना बड़ा कुत्ता नहीं हूं। तो चलिए, आई होप आप अग्री करते मेरी बातों से। अगर आपके पास किंगफिशर स्टॉर्म है तो वो जरूर पिए ये वीडियो देखते वक्त, शायद आपका दिन अच्छा जाएगा। समय हो रहा 650, 650, मैं 1300 कैलोरीज डाउन हूँ, और ये मेरे जिम के लिए अच्छा नहीं है। तो अब देखते हैं मैं एक और पीता हूँ कि क्या करता हूँ। लेकिन आपसे अगर मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, मैंने इसको 10 दिए, उसको 9 दिए, उसका एक और रीज़न है, क्योंकि मुझे अभी एक और किंग फिशर पीने का दिल कर रहा है, मुझे नहीं दिल कर रहा एक और कार्ल्सबर्ग पीने का। तो कहीं ना कहीं किंग फिशर ये टेस्ट जीता है, आप इसको शूटिंग शैटिंग चीटिंग कह लीजिए, लेकिन किंगफिशर गोल्ड इज लिटिल बेटर देन देन दिस थिंग, बिकॉज किंगफिशर में कंसिस्टेंसी है विच अलाउज यू टू गो फॉर द सेकेंड ड्रिंक। कार्ल्सबर्ग काइंड ऑफ लीव्स यू हाई एंड ड्राई, बट अगेन आई एम कंपेयरिंग द टू बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग बोथ ऑफ देम। मे बी आई शुड डू अ स्टैंड अलोन वीडियो। व्हाट डू यू गाइस थिंक, आपको क्या पसंद है, कार्ल्सबर्ग या किंगफिशर या फिर बीरा? अगर आप बीरा के फैन हैं तो यकीन मानिए, मुबारक हो आपको।